मीरा भाईंदर में अमित सिंह ठाकुर बाहुबली ने लोगों की समस्या को हल करने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क कार्यालय मीरा भाईंदर में बनाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि संतोष दादा धुवाली महाराष्ट्र प्रदेश सचिव निरीक्षक मीरा भाईंदर के हाथों से हुआ। इस अवसर पर अरुण कदम उपनगरायक्ष विक्रम प्रताप सिंह नगर सेवक शिवसेना संतोष पेंडुलकर महाराष्ट्र सचिव सुप्रिया माइका महिला जिलाध्यक्ष मीरा भाईंदर और तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रवादी का कार्यालय आज पहली बार मेरे हाथ से पहली बार खोला है। मैं तो पहला अमित जी पेंडुलकर साहब अरुण भाई उमेश पाटिल ताई माइनकर ताई गंगेजा आज वो सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ कि आज ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आज से शुरुआत हो गई महानगर पालिका की निवडणूक। सर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ समस्या है यहाँ की? संतोष सर, समस्या के बारे में संतोष सर बोलेंगे। समस्या तो बहुत है, अभी आने वाला 2022 का इलेक्शन है, उसके पहले सामान्य जनता के बहुत से प्रश्न ऐसे है। महानगर पालिका में सत्ते में बैठे है, आज बीजेपी की सत्ता है, लेकिन आज सबसे मूलभूत जो प्रश्न है, आज पानी का कितना सालों से प्रॉब्लम चल रहा है, आज भी प्रॉब्लम चल रहा है। सामान्य जनता को जो मूलभूत सुविधा देना चाहिए था महानगर पालिका ने, वो अभी तक नहीं दिया है। गटर मीटर उसके ऊपर ही अपन अटक के बैठे हुए। आज आप देखो गणपति होके गए तो भी अभी तक रोड की परिस्थिति जैसे थी वैसे ही है। आज इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, इन लोगों को खड्डे बुझाने के लिए पैसा नहीं है। आज मेट्रो की वजह से ट्रैफिक जाम है, बहुत सी ऐसी समस्या है। वो आज ये दादा ने जैसा बोला, संतोष दादा धुवाड़ी साहब ने, कि आज ये सामान्य जनता के लिए ऑफिस ओपनिंग करके दिया है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है ये ऑफिस से मिटाई जाएगी। और आज अमित सिंह उमेश पाटिल जी और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष चेंज होने के बाद ये पहला कार्यालय है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इनको। आज गांधी जी के शुभ अवसर पर यहाँ पे ये कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, और आम जनता के जो प्रॉब्लम है ये यहाँ से मिटाए जाएंगे। सर जनता के तो ठीक है, समस्या मिटाए जाएंगे, जब कार्यालय का यहाँ जन कार्यालय का संपर्क का उद्घाटन हुआ है, इससे क्या संगठन और मजबूत होगा? संगठन तो मजबूत जरूर होगा, हमारे नेते यहाँ पे बैठे हुए हैं, मीरा भाईंदर निरीक्षक और महाराष्ट्र राज्य के सचिव संतोष दादा धुवाड़ी जी और माजी उपर नगराध्यक्ष जी अरुण भाई कदम, आज इनके नेतृत्व में हम आगे जो संगठना यहाँ पे मीरा भाईंदर में बांधनी है, जो संगठन में देखो हर एक पार्टी में छोटे मोटे वाद विवाद तो होते रहते हैं, जो ये होता है, लेकिन आज दादा के
नेतृत्व में हम बैठ के वो सब जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो मिटा के आगे हम सब एक हो के ये मीरा भाईंदर में आने वाले 2022 के इसमें हमारा जो आज एक ही नगर सेवक जो आपको दिख नहीं रहा है वो सत्य में हम जरूर बैठेंगे वहाँ पे। आपने सर सवाल किया था जब आवाड़ी साहब आए थे तभी बोले थे कि यहाँ के जो कमिश्नर है या कोई भी आपके और ध्यान नहीं देता, राष्ट्रवादी की बात ही नहीं सुनते हैं, अभी कुछ ऐसा संभव हुआ है? अभी दशहरा के बाद आप समझ में आएंगे आप लोग को कि राष्ट्रवादी महानगर पालिका हो या पूरे मीरा भाईंदर में समझ में आएगा उनको सब। सर जिलाध्यक्ष से विवाद समाप्त हो गया क्या, वो नजर नहीं है? जी सर, 11 महीने बाकी है 2022 के इलेक्शन को और वोटर्स 8 लाख है, कितना कवर कर पाएंगे आप लोग? अभी तो जो आजी माजी जितने भी है जैसे कि अभी गुंडूज दे अरुण भाई और पेडुको जी ने कि गिलबर्ट साइड आ रहे अपने पास, तो ऐसे आजी माजी सब आ रहे तो अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर आपको नहीं लगता है कि गिलबर्ट मेंडोज़ा आने के बाद भी यहाँ गुटबाजी और चौथा गुट होगा, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं हो, नहीं हो। लेकिन सर आप ऐसा क्या गिलबर्ट जी को यहाँ पे बुलाया गया है या उनको लगा के फिर से घर वापसी हो रही है उनकी? नहीं, उनकी खुशी से वो खुद आने चाह रहे और हम लोग बुला रहे और हम लोग को भी ताकत चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्योंकि एनसीपी में वो जैसे कद्दावर नेता हैं उनको वहाँ पर करने का मौका नहीं मिला, आपको लगता है मीरा भाईंदर में फिर से वही उनका रुतबा हो पाएगा, उससे डबल होगा? अच्छा अमित जी, बड़े बड़े लीडर आए हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किस प्रकार की रणनीति होगी आपको संगठन को मजबूत करना और यहाँ की जन संपर्क जन जो समस्या है उसको सुलझाने की? बिल्कुल, जनता के हित में यहाँ से काम होगा, उसी का माध्यम से कार्यालय खुला है और जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद है श्री संतोष दादा दुवाली, अरुण भाई कदम और संतोष पांडुलकर हमारी माइंड करता है कि जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, तो ओवरऑल एक पैकेज है कि महिला और पुरुष और युवाओं में बहुत काफ़ी मेरे दोस्त, मैं भी युवा ही हूँ, तो ओवरऑल पैकेज के हिसाब से हम लोग काम करेंगे मीरा भाईंदर में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को रीच करेंगे और उनकी जो भी समस्या है वो दूर करेंगे और इसके साथ साथ संगठन को भी मजबूत करेंगे। संतोष सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जीरो से इसमें जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी में, अभी चुनाव आने वाला है, कितना कुछ आप भाई इलेक्शन आता जवळ येत आहे, पक्षाची तुमची स्थानिक लेवलवर काय रणनीती आहे? पक्षाची रणनीती तर आहे ना, सगळे जिल्हाध्यक्ष आहेत, संतोष जी होते अगदी, त्यांनी सुरुवात चांगली चांगल्या प्रकारे संघटन बांधलेलं आहे आणि याच्या पुढे ते बांधलं जाईल आणि इलेक्शन पर्यंत आम्ही संतोष जीने सांगितलं आहे की आज राष्ट्रवादीचं उद्घाटन आहे की तुमचे काय मन दुःख होते पक्षामध्ये गुट होते ते संपलेले, मग आज काही पदाधिकारी ना आले तर त्यांच्यावर काय पुढे कारवाई होणार आहे? कोण आले नाही आलं असं काय तुम्ही कुठेतरी गैरसमज करताय, कोणाची कुठेतरी आज 2 ऑक्टोबर आहे, गांधी जयंती आहे म्हणून तर सांगितलं गांधीगिरीने आपण सुरुवात केली आहे, तर त्यांना कुठेतरी दुसऱ्या कार्यक्रमात वेळ नसा त्यांनी हे केलं असेल ना, उपस्थिती असेल त्यामुळे येऊ नाही शकत। गुटबाजी जो थी वो सब खत्म हो और पक्ष वापिस से एक मजबूती से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर लोगों में? तो ये गुटबाजी का तो ये मसला चल ही रहा है, आपकी तरफ से मीरा भाईंदर के सारे पदाधिकारी राष्ट्रवादी के सारे पदाधिकारी को आप क्या संदेश देना चाहते? एक्चुअली अब मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ, इसलिए बोलो ना आज गांधीगिरी अमित ने खास ऐसा बोला, दादा आज गांधी जयंती है और आज से अपन चालू करेंगे गांधीगिरी, जो संजय दत्त ने किया था ना तो वैसे ही चालू है और ये आप मैं ऐसा समझता हूँ कि आज से जितनी गड़बड़ी थी वो सब खत्म हो गए और यहाँ जो दिख रहा है वो वैसे ही चालू रहेगा आज से काम, और दशहरा के बाद महानगर पालिका में चालू हो जाएगा, कमिश्नर साहब को मिलेंगे, जो जो समस्या जिसकी जो रहेगी वो सब क्लियर। उम्मीद है यानी जो राष्ट्रवादी का कार्यकाल काम रुकता था वो रुकेगा? जी, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। आज ताई से चले चले भाई, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आज? आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं कार्यालय ओपन फर्स्ट टाइमच झालेलं आहे, त्यानंतर आज गांधी जयंती निमित्त सर्वांना शुभेच्छा आणि आज अमित सिंग ठाकूर आणि उमेश पाटील मामा यांनी आज कार्यालय ओपन करून आज आम्हाला मानसन्मान देऊन इथे सर्वांना उपस्थिती दाखवून सर्वांना मानसन्मान दिला, त्याबद्दल त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। संतोष सर आपसे पूछना चाहता हूँ, गांधीगिरी सुरू हो रही है आज से, कितना कुछ सहमत है आज लोग घर वापसी भी करना चाह रहे हैं और गांधीगिरी से बोले? गांधीगिरी तो देखिए
पार्टी में जभी से हम पद लिया तभी गांधीगिरी के हिसाब से ही लोगों को जुड़ाते गए, हम कभी भाईगिरी से जुड़ाते नहीं गए। हम पार्टी ख़त्म हो गई थी 2017 में, या आप लोगों के चैनल से पूरे मीरा भाईंदर को मालूम है, ऐसा नहीं है। और हम गांधीगिरी के हिसाब से एक एक कार्यकर्ता को जुड़ाते गए प्यार से, प्रेम से, और वो संगठना इतनी मीरा भाईंदर में बढ़ गई थी और बढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ी है करके। और वही कार्य आज मैं आपको बताया ना, कि दादा ने भी बताया आपको कि आज गिलबर्ट मेंडोसा जी वापस आ रहे, घर वापसी उनकी हो रही है, उनका जरूर 2000 आने वाला जो महानगर पालिका का इलेक्शन है उसमें जरूर फायदा होगा। जो आज हमारे एक भी नगर सेवक आज मीरा भाईंदर में दिख नहीं रहे, वो हम जरूर वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए दिखेंगे। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, और आने वाले इसमें 2022 में भी यहाँ पे महाविकास आघाड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भी ये मांग रहेगी। आज अकेले अकेले जगह लड़ने से होने वाला नुकसान है, पार्टी को ही होगा, लेकिन भविष्य में आघाड़ी होगी, अगर वो नहीं होगी तो नुकसान होगा, और होगी तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और गिलबर्ट सेठ बोलो या आज आपको भी मालूम है, जो सत्ता में आज बीजेपी में बैठे हैं वहाँ पे आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, इनके इसमें गुड़बाजी नहीं है क्या? कितनी गुड़बाजी है, रास्ते पे आई हुई है उनकी भी गुड़बाजी, और वो गुड़बाजी का भी राष्ट्रवादी को फायदा होने वाला आने वाले इसमें। बहुत से लोग जो आज कतार में है, लेकिन आज दादा के नेतृत्व में हम वापस दोबारा ताकत के साथ उतरेंगे रोड पे। रोड पे जो लोगों की समस्या है, वो महानगर पालिका का हो, या दादा ने भी बताया है कि हम आने वाले इसमें हम दशहरे के बाद आयुक्त को मिलने के लिए जाने वाले लोगों की जो समस्या लेके जाने वाले, आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में आयुक्तालय हुआ है, पुलिस आयुक्तालय, वहाँ पे सीपी का कि हम भेंट लेने वाले जो लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो मिटा के यहाँ से ये कार्यालय से शुरुआत होगी, और बहुत बड़े पैगामे पे हम जोश से उतरने वाले हैं आने वाले इसमें, और हमारी ताकत 2022 में दिखाएंगे। कुल अमित सिंह बाहुबली हमारे छोटे भाई है और बहुत ही उत्साही है मीरा भाईंदर में, हमेशा वो अच्छा काम करते हैं, और मैं शुभकामना दूंगा कि वो अच्छा काम करे और जिस पक्ष के लिए उन्होंने ऑफिस खोला उस पक्ष के लिए काम करे, इस हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए काम करे। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो है सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज में जितना भी हो सके अच्छा काम करने का कोशिश करना चाहिए, और मैं शुभकामना दूंगा कि अमित सिंह जो है बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। गंगेश झा और उमेश पाटिल बाकी सही, और युवा नेता गंगेश झा और उमेश पाटिल तथा सभी पूरे टीम को मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप मीरा भाईंदर शहर में अच्छा काम करें और अपने पक्ष के लिए आप अच्छा काम करें। निश्चित तौर पर मैं अलग पक्ष से हूँ, लेकिन पहले परिवार होता है फिर पक्ष होता है।